सो फाइनली दोस्तों टाइगर थ्री का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओ भाई साहब भाई 200 करोड़। जी हाँ दोस्तों, शॉक मत हो, ये 200 करोड़ का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है फिल्म। आज का पूरा रिपोर्ट लेके आऊं, मंडे की ऑक्यूपेंसी फाड़ू, मंडे की एडवांस बुकिंग फाड़ू, हर जगह भगवा, मुंबई हो, दिल्ली हो, पूरा भारत हो दोस्तों, सारी खबरें लेकर आओ भाई। इस टाइगर थ्री ने ना भारत में तो इतिहास रच दिया है, शाहरुख खान के कैमियो ने तो चार चांद लगा दिया है। वेल दोस्तों, यूएसए के अंदर भी ये फिल्म ने सबके झंडे गाड़ दिए, रिकॉर्ड बना दिए भाई, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। जी दोस्तों, जब तक टाइगर मरा नहीं ना, तब तक टाइगर हारा नहीं। और लाइक कमेंट ठोको, वीडियो को अंत तक देखो और अपने भाई को प्यार देते रहो यार। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों, आज की ताजा खबर, आज है मंडे यानी कि डे नंबर 2 और ओवरसीज के अकॉर्डिंग डे नंबर 3, दोनों की रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं। आपको बता दूं कि भाई कल ये फिल्म रिलीज हो चुकी है भारत के अंदर। और क्योंकि दोस्तों टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो लक्ष्मी पूजा वाले दिन ऑलमोस्ट 40 प्लस करोड़ का कारोबार करती हुई नजर आ रही है हिस्ट्री। दोस्तों कोई भी ऐसी फिल्म है अभी तक लक्ष्मी पूजा वाले दिन आज से 11 साल 12 सालों में रिलीज नहीं हुई है। और आपको बता दूं कि लक्ष्मी पूजा के दिन यूजुअली प्रोड्यूसर एंड बैनर जो है वो डरते हैं अपनी फिल्म को रिलीज करने से। लेकिन भाई जान को सलाम है यार, हेटर लोगों आपकी बोलती कर दी बंद। सलमान खान की फिल्म ने भाई साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रही है। इसके अलावा यूएसए के अंदर, जी हां यूएसए एंड कैन में दोस्तों $2.25 मिलियन $2.5 मिलियन दोस्तों इतिहास रच दिया इस फिल्म ने। बॉक्स ऑफिस पे लगभग $2.5 मिलियन का कलेक्शंस करते हुए नजर आ रही है। ओवरसीज में जो ग्रॉस कलेक्शंस किया है वो मोर देन $11.5 मिलियन का कलेक्शंस है। INR में बताऊंगा अभी फिगर, आपको घबराइए मत। दोस्तों ये फिल्म ऐसी फिल्म बन चुकी है भारत की पहली ऐसी फिल्म बन गई है टाइगर 3 जिसने यूएसए के अंदर प्रीमियर को मिलाकर लगभग दोस्तों वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। कल का कलेक्शन बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 95-100 का कलेक्शन किया दोस्तों। आज है मंडे और आज की ऑक्यूपेंसी दोस्तों, चाहे मैं मॉर्निंग की बात करूं, इवनिंग नाइट की बात करूं, हर जगह फुल है दोस्तों। कल आपको बता दूं, कल दोपहर की ऑक्यूपेंसी भी और रात की ऑक्यूपेंसी भी लगभग दोस्तों 44-45% की गई थी। इनफैक्ट दोस्तों कल दिवाली थी, कल जो मैंने थिएटर में ऑब्जर्व किया, थिएटर 100% ऑक्यूपेंसी नहीं थी मॉर्निंग वाले शो में। यार देखो यार, दिवाली का टाइम था, लोग बिजी थे पूजा में, शॉपिंग में, सामान खरीदने में। मुझे पता है यार, आई कैन अंडरस्टैंड, 70% की ऑक्यूपेंसी मैंने कल मॉर्निंग में देखी थी दोस्तों, जो मेरे थिएटर में थी। लेकिन क्राउड भाई साहब, जनता का प्यार दबा के मिला। इसके साथ ही टाइगर 3 ने बुक माई शो पे इतिहास रच दिया, 24 घंटे में 5,22,000 टिकट बेचे भाई साहब, खाली बुक माई शो से बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ आज मंडे का जो एडवांस बुकिंग किया है, 7 करोड़ का एडवांस बुकिंग पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों साउथ इंडस्ट्री से जो कारोबार करती हुई नजर आ रही है, बहुत ही कम आंकड़े आ रहे हैं। देखो यार, कल का कलेक्शन आपको बता दूं कि ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है बैनर के थ्रू, लेकिन यह फिल्म 44 से 47 करोड़ के बीच एक नंबर पकड़ने वाली है। 44 हो सकती है, 45 हो सकती है, फर्स्ट डे का कलेक्शन लगभग इतना ही होगा। इसके साथ ही साथ साउथ में हिंदी के अंदर तो इसने 43 करोड़ कमाया है, साउथ में तेलुगु में 1.5 करोड़ एंड दोस्तों तमिल में सिर्फ 15 लाख का कलेक्शन किया है। इट मीन्स दोस्तों यश राज फिल्म को ऋतिक का कैमियो तो डालना ही था, लेकिन यार मुझे लगता है कि अगर जूनियर NTR का एक ग्लिम्स अगर देखने को मिल जाता तो शायद यश राज फिल्म साउथ इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छा कलेक्शन करने में एक पकड़ मजबूत कर पाती। क्योंकि दोस्तों हिंदी में तो अच्छा कलेक्शन कर रही है, साउथ इंडस्ट्री से अभी भी इस फिल्म को इतना प्यार नहीं मिल रहा है। ऑनेस्टली बताऊं, ये नंबर और आंकड़े दोस्तों आज के क्या आते हैं उस पर डिसाइड होगा। इसके साथ ही साथ KRK ने बहुत बुरी तरीके से ट्रोल भी किया है SRK को, कह रहा है कि भाई SRK की फिल्म जो है पाकिस्तानी प्रेमी फिल्म है, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए फिल्म बनाई जा रही है। और जो मजा दोस्तों पठान में टाइगर 3 का कैमियो का था, वो मजा कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टाइगर 3 में पठान का कैमियो इज नॉट ए
मस्ती वाला नहीं था, मजा नहीं दे पाया। मतलब एक हालांकि दोस्तों पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्शन मुझे बहुत फाड़ू लगा, उसका एक अलग रिव्यू वीडियो दूंगा, इसके बाद आएगी वीडियो, तुरंत बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों बॉक्स ऑफिस के आंकड़े क्या है, देखो यार एज पर मीडिया सोर्स बता दूं कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फर्स्ट डे का, आपको बता दूं कि 43 करोड़ नजर आ रहा है, जो अभी तक की फिगर बता रहा हूं, 44 भी हो सकता है, बट एक अर्ली फिगर जो बता रहा हूं 43 करोड़। सेकेंड डे का कलेक्शन 60 से लेकर 70 करोड़ के बीच हो सकता है, मैं 60 करोड़ लेता हूं दोस्तों। उसके बाद जो टोटल दो दिन का कलेक्शन हो रहा है 103 करोड़ का हो रहा है। ओवरसीज का कलेक्शन भाई साहब, एक दिन पहले ओवरसीज में ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो ओवरसीज में 3 दिन हो चुके हैं, इंडिया में 2 दिन हो चुके हैं, आज को मिलाकर ओवरसीज का कलेक्शन भाई साहब बिलीव नहीं करोगे 71.50 करोड़ का कलेक्शन हुआ है ओवरसीज में। साउथ में ही सिर्फ कलेक्शन नहीं कर पा रही है, बाकी हिंदी नॉर्थ और ओवरसीज कलेक्शन फाड़ हुआ है। आपको बता दूं कि ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में 122.57 करोड़, ओवरसीज से 71.50 करोड़, टोटल कलेक्शन 194 करोड़ का एक एस्टिमेट फिगर आ रहा है दोस्तों। एकाध करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये फिल्म ऑलमोस्ट 2 दिन में 200 करोड़ का कारोबार। ओ भाई साहब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, अ गुड न्यूज फॉर ऑल द सलमान खान फैंस। दोस्तों पार्टी तो बनती है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, क्योंकि दोस्तों टाइगर 3 ने गदर मचा दिया है हर बार। दोस्तों आपको बता दूं कि ये तीसरी फ्रेंचाइजी फिल्म है, और बिलीव करता हूं दोस्तों आज का ऑक्युपेंसी, आज का एडवांस बुकिंग बड़ा सॉलिड हुआ है। रात को वीडियो आएगी, और दोस्तों टाइगर 3 की खबरों से जुड़ने के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। वेल दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।